नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। तो दोस्तों, आज मैं जा रहा हूँ दिल्ली से अपने गांव, अपने घर उत्तराखंड, जो कि पौड़ी गढ़वाल में है मेरा गांव, थलीसैंड ब्लॉक में मजदूर। तो मैं यहाँ से बैठ गया हूँ बस में, और इस बस में बड़ा ही आनंद आता है रोडवेज में दिल्ली टू उत्तराखंड। चलिए। तो दोस्तों, मैं रात को वीडियो नहीं बना पाया, बहुत ही ज़्यादा ठंड लग रही थी और हम सो गए थे, तो इसलिए अब मैं उत्तराखंड आके ही वीडियो बना रहा हूँ। हम पहुँचने वाले हैं बैंसरा, जो कि हमारा बहुत ही अच्छा बाज़ार है। तो ये देखिए यहाँ की वादियाँ, यहाँ के नज़ारे। कैसे हैं आप सब? तो आज मैं आया हूँ बहुत दिनों के बाद अपने गांव में, और ये है बैंसरा बाज़ार, और काफ़ी टाइम बाद आए हूँ यार, न्यू ईयर के दिन। तो नया साल मनाने जा रहा हूँ अपने गांव, और ये देखिए बैंसरा में नदी के किनारे एक मंदिर, बहुत ही अच्छा सा ये बाज़ार। तो दोस्तों, मैं आ चुका हूँ दिल्ली से अपने गांव मजूर, और अभी पैदल पार पर पैदल यात्रा कर रहा हूँ, क्योंकि नीचे से आधा किलोमीटर पैदल जाना पड़ता है। वैसे हमारे गांव के लिए रोड भी आ चुकी है, लेकिन उसके लिए स्पेशल बुकिंग करनी पड़ती है, और अभी कोई हमें टैक्स मिली नहीं यहाँ पे। और नीचे हमारा मार्केट है यहाँ पे मजगाँव, अभी झाड़ियों से दिख नहीं रहा, अभी दिखाऊंगा आपको, ठीक है। और ये स्कूल है हमारे बचपन के पुराने स्कूल्स, और हम लगे हैं उकाल, बहुत टाइम बाद अपने गांव आ रहा हूँ, और सबसे मिलके अच्छा लगेगा। ये हमारे साथी, ये हमारा मार्केट मजगांव, छोटा सा मार्केट है लेकिन बहुत अच्छा है। सामने का गांव है गंगाव, इधर ये पोखरी है, उसके ऊपर कुंज बटोला, और ये हम जा रहे हैं मजूर के लिए। ऊपर मजूर है, उसके ऊपर हसूड़ी है, हंसेश्वर महादेव, ये हमारा स्कूल है। और ये सुबह की धूप है, और चलो चलते हैं। सो गाइस, हमारे यहाँ बहुत ही अच्छी चीज़ बन रही है, यहाँ पे बहुत बड़ी पानी की टंकी बन रही है, जिसके बिजली के द्वारा नीचे ज़मीन से पानी आएगा, और नीचे नदी भी है, बहुत अच्छी नदी है, तो इससे पानी आएगा इस टंकी में फोर्स के द्वारा, और इससे ऊपर के चढ़ाई में जितने गांव होते हैं सबको पानी देता हुआ ये जाएगा, ठीक है। गाइस, क्या कहना चाहेंगे आप? गाइस तुम मुझे कहाँ नमड़ा रहे हो? ये यहाँ पे तो रास्ता ही नहीं है। अरे यार, मैं भूल गया क्या रास्ता? नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता, मैं यहाँ के पग पग से वाकिफ हूँ, और यहाँ पे कार्य प्रगति पर है। सो गाइस, थोड़ा बहुत चढ़ाई हमने चढ़ लिया, और अभी बहुत ज़्यादा चढ़ाई है, मतलब बहुत ज़्यादा अभी आज लग रही है, क्योंकि काफ़ी टाइम बाद आ रहे हैं। वैसे तो बहुत इजी लगती है हमारी चढ़ाई यहाँ की, और बहुत मज़ा आता है यहाँ जाने में। तो बहुत टाइम बाद जा रहा हूँ अपने गांव, बहुत अच्छा लगेगा नए साल पर सबको विश करने के लिए, और बहुत ही ज़्यादा ग्रीनरी है यहाँ पर, देखिए बहुत ही अच्छी अच्छी सीनरीज हैं, और बिल्कुल सुकून है यार, जन्नत है अपना पहाड़। सो गाइस, फाइनली मैं अपने गांव पहुंच गया, ये रहा हमारा गांव, और वहां पे हमारा घर, वो देखिए ये ऊपर वाला, और इधर से मैं इसलिए जा रहा हूं, यहां पे मंदिर है हमारे नरसिंह भगवान का, जो हमारे ग्राम देवता हैं, तो भगवान जी के दर्शन करके फिर अपने गांव में पधारेंगे। और ये है हमारा गांव मजूर, देखो घसेरी जा रही है। कल क्या प्रणाम प्रणाम, ठीक ठाक जा, स्वास्थ्य पानी सब बढ़िया? अरे बैग निकाल दूने, हाँ हाँ प्रणाम कक, अंदर में बैठी जी। ये बब्बा,
नाना प्रकार का पकवान बनना चाहिए बनना और स्वास्थ्य पानी बढ़िया क्या बढ़ानी चाहिए के की सब्जी अच्छा बहुत बढ़िया। तो देखो गाइस यहाँ पे ज़्यादा ठंड भी नहीं है इस टाइम पे, दिन में धूप लगी हुई है और मस्त धूप लगी हुई है और ठंड वैसे बहुत ज़्यादा होती है, बर्फ़ भी पड़ती है लेकिन इस टाइम पे इतनी नहीं है। और जब मैं दिल्ली आया था मैंने बहुत सारे कपड़े पहने हुए थे और अभी देखो एक हाफ पहन रखा है और ऊपर से ऐसे डाल रखा है, डांट ना खाऊँ इसलिए। और वेदर आहा बहुत मस्त है। सो गाइस ये है हमारे गांव का बैक साइड और वो दूर जो दिख रहा है कन्यूर है और इसके नीचे जस्ट थलीसैंण है और इस साइड यहाँ पे बिंदेश्वर है और भी बहुत सारी चीज़ें, दूधतोली है उस साइड और सामने सोवरा का डांडा, भंडेली, बंदोली इत्यादि इत्यादि। और ये हमारी गौशाला, चलो मैं आपको दिखाता हूँ। और ये घास, ये भीमल, और ये हमारी गौशाला का स्टोर रूम है, यहाँ पे हम लकड़ी फाड़ फाड़ के रखते हैं। और ये हमारा घर है, ये हमारे माल्टी के पेड़ हैं, दो तीन पेड़ हैं। और ये हमारे बाग बगीचे, ये हमारी गौशाला फ्रंट से, और ये हमारी गाय बुंदरी। हाय बुंदली, हाय बुंदली, शी इज वेरी ब्यूटीफुल। और ये हमारे और बाग बगीचे हैं, वो घर है, पापा जी हैं। देखो माल्टे, मम्मी, और ये है अपना गांव मजूर। और ये हमारा घर और ये हमारा मंदिर है, हमारे इष्ट देवता निरंकार, निरंकार जी भगवान का मंदिर है। और यहाँ पे बहुत सारी तुलसी होती है, अभी इसमें कुछ लगाना है। एक और पेड़ हो रहा है वहाँ पे, सेब का पेड़ है। तो दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया मेरे ब्लॉग को यहाँ तक देखने के लिए, और खूब सारा प्यार दीजिए और शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।